हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेशम देवी राजस्थान यूट्यूब चैनल। आज है 19 जनवरी 2024 और कल 20 तारीख को यानी सैटरडे को हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे पुणे से और राजस्थान जाएंगे। और कल हमारी मॉर्निंग में ट्रेन है 7 बजे, और आपको हमारी जर्नी दिखाएंगे पुणे टू अलवर राजस्थान। और हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हम राजस्थान क्यों जा रहे हैं। एक बहुत ही स्पेशल इवेंट फंक्शन है, वो बताएंगे क्या फंक्शन है अगले वीडियो में। हमने पैकिंग कर लिया है आज फ्राइडे को 19 तारीख को, और कल सुबह उठते ही जाएंगे। तो पैकिंग करके सामान तैयार है, ये देखो पूरा ये पैकिंग कर चुके हैं हम लोग। कल सुबह उठते ही 7 बजे जाएंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं रूम से। ये देखो सामान लिफ्ट के पास में रख दिया है। तैयार हो चुके हैं और अब रूम से निकल रहे हैं, और उबर भी बुक कर दिया है। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और सोसाइटी से निकल चुके हैं। 7:15 का टाइम हो रहा है सुबह का। हम बॉम्बे पहुंच गए हैं और लोकल ट्रेन से दादर से बांद्रा जा रहे हैं हम लोग। वहां से दूसरी ट्रेन में बैठेंगे। हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, बांद्रा टर्मिनल पे खड़े हुए हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है और शाम के 5 बज गए हैं। हम पुणे से बॉम्बे जिस ट्रेन से आए थे उसने हमको 1 बजे उतारा, और 3-4 घंटे के बीच में कैब में यहाँ पे बैठे हुए थे और हमारी ट्रेन आ गई है और हम 5:05 पे यहाँ से रवाना हो गए। ये देखो ये ट्रेन है जयपुर बांद्रा, S1 डिब्बा है, और कल हमको ये 10 बजे जयपुर स्टेशन पे उतारेगी। कल हम लोग 10 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन है देखो जयपुर सुपर फास्ट। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग दुर्गापुरा जयपुर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मेन जंक्शन जयपुर आने वाला है। यहाँ दुर्गापुरा जंक्शन पे ट्रेन रुकी हुई है। दुर्गापुरा पे रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए। आगे शायद सिग्नल रेड है। नमकीन नमकीन इधर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आज, और आज तनिषा का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे तनिषा। ये देखो हिमांशु कंबल ओढ़ रखा है। ये हिमांशु का मुंह दिख रहा है इधर, वो रेशम बैठी हुई है, और ये तनिषा। जयपुर जंक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ट्रेन से उतर भी चुके हैं, और ये सामान है हमारे पास में। सामान को सुख शांति से लेके आ गए और हम लोग अब रवाना हो रहे हैं घर की, और बस में बैठेंगे। फाइनली हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, और अब हमने गाड़ी मंगाई है घर से और अब पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट।
देखो राजस्थान के दौरे। आज तनिषा का बर्थडे भी है और तनिषा के लिए केक भी ले लिया है। ये राहुल भाई साहब हमको लेने के लिए आए हैं। घर पे पहुंच गए हैं। एक मिनट भाई साहब, इधर ही रोक लो यार, चल जाएगी। हिसाब से हेलो दोस्तों, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद में अब मैं जा रहा हूं खेतों में घूमने के लिए। घर आके स्नान किया, स्नान करने के बाद तुरंत बाद मैं खेतों में नीचे घूमने जा रहा हूं। ये देखो खेतों में अभी सरसों उगा रखा है हमने। ये देखो ये हमारा कुआ है, पुराना कुआ, इसके अंदर अभी पानी नहीं है और दो बोर है, एक उधर है वो बोर और दूसरा बोर ये रहा। उस बोरिंग से इधर पानी आ रहा है और खेतों में जा रहा है और एक ये बोर है और इससे ये पानी आ रहा है और नीचे खेतों में जा रहा है। लाइन बिछी हुई है। ये देखो सरसों के खेत, सरसों और गेहूं उगा रखा है। ये सरसों का खेत है, ये गेहूं का खेत है। ये सरसों और इसका खेत, ये गेहूं का खेत है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। सभी खेतों में दो तरह की फसल उगा रखी है हमने, सरसों और गेहूं। देखो कितनी बढ़िया सरसों है, पीले पीले खेत है। ये मैं और मेरा भतीजा हम लोग घूमने आए नीचे खेतों में। पहली बार दिखा पीले हरे भरे पीले खेत हो रहे हैं। ये एक और गेहूं और सरसों का खेत, एक तरफ सरसों दूसरी तरफ गेहूं। ये दवाई कौन दे रही थी? दीपू हाँ। ये देखो सरसों मौका हाथ में लगा खा जाए जाएगी यार। ये देखो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वत, हरे भरे खेत और सामने अरावली पर्वतमाला। देखो लड़े देख, दांत, एक दांत टूटा हुआ है जो उग रहा है अजय मीणा का। कहीं जो राजेंद्र ऊपर दो तीन खेत आगे था सिमर जान ऊपर का, यहाँ में कोई दिक्कत को ना, यहाँ में कोई दिक्कत को ना। सूर नीचे गेहूं जब डालते हैं तब भी खाऊं जी, रबी भी खाऊं जी, और लास्ट में पके पीछे भी खाऊं।
दिखा। शाम के 4 बज गए हैं और ये देखो सूरज, काफी धूप है और एक और इस खेत में गेहूं है। गेहूं सरसों बस दो फसल है। ये देखो ये गेहूं का खेत है, हम यहाँ पे पानी बगाते हैं। कितनी प्यारी हरियाली है। शुद्ध हवा मिलती है। ये देखो झोपड़ियां रात को यहाँ पे सोते हैं, रखवाली करते हैं यहाँ पे खेतों की। देखो शाम के 5 बज गए हैं और सामने हमारे घर हैं और ये घर के आसपास का नजारा दिखाता हूँ आपको। देखो एक मैं छत के ऊपर भी जाऊंगा और उसके ऊपर का वीडियो भी बनाऊंगा चारों तरफ का। एक बार मैं नीचे से दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, लेकिन ये खेत खाली है। इसका कारण मैं बताता हूँ अब क्यों खाली है। और मैं अभी ये भी बताता हूँ कि हम लोग राजस्थान से, राजस्थान क्यों आए हैं पुणे से। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये मेथी का खेत है, इसमें मैं मेथी खा रहा हूँ। ये देखो मेथी है, बिल्कुल फ्रेश मेथी खेतों से, ताजा मेथी। देखो अब मैं बताता हूँ ये खेत खाली क्यों है। देखो मेथी खा रहा हूँ। इस खेत का खाली होने का कारण क्या है, ये देखो पूरा खेत खाली है। आज है 21 जनवरी और 31 जनवरी को मेरी छोटी सिस्टर की शादी है, इसलिए यहाँ पे लगेगा टेंट। इसी कारण से हम इसी पुणे से राजस्थान आए हैं, वरना हम लोग दीपावली या गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, लेकिन इस बार जनवरी में आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी छोटी सिस्टर की शादी है और इस खेत में लगेगा पूरा टेंट, खाने का प्रोग्राम पूरा फंक्शन इधर रहेगा इस खेत में, इसलिए इस खेत को खाली छोड़ा है। और अब मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ से आपको आसपास का चारों ओर का हरियाली दिखाता हूँ आपको। हमारे नींबू के पेड़ भी हैं, ये देखो कितने मोटे मोटे नींबू। ये देखो ये नींबू लगे हुए हैं ताजा। और भी दिखाता हूँ, ये देखो एक और नींबू का पेड़। इसमें इनमें किसी कोई दवाई नहीं दी है, ये ऑटोमेटिक इतने मोटे मोटे देखो नींबू, बहुत ज्यादा रस है। नीचे भी गिरा हुआ है एक नींबू, देखो ये गिरा हुआ एक नींबू हो रहा है। ये तो नींबू, और इन नींबू का मैं अचार डालने का सोच रहा हूँ। एक नींबू ये गिरा हुआ है, ये देखो खराब हो गया, ये नींबू गिरा गिरा यहाँ पे इसको तो। ये देखो कितनी तेज नींबू लगे हुए हैं है। और ये घर के सामने का दृश्य, ये देखो पत्थर है हमारा और इस खेत में टेंट लगेगा। चारों तरफ हरियाली हरियाली, गांव में रहने का कुछ अंदाज ही अलग है। सामने अरावली पर्वतमाला और सरसों के खेतों से सजे हुए खेत, हरा और पीला कलर। वो सामने अंकल के घर हैं और ये बड़े भैया मूली लेके आ रहे हैं, वो मेरी सिस्टर चार भैंसों के लिए चारा काट रही है। खेतों से ताज़ा ताज़ा मूली लेके आए हैं, बिना दवाई की बिना केमिकल की। ये देखो चारों तरफ भैंस, ये हमारी भैंस है, ये छोटा बच्चा। हाउ आर यू?
ये देखो छोटा बच्चा, सर्दी ना लगे क्योंकि राजस्थान में इधर बहुत ठंड है इस टाइम, तो इसलिए इनको कुछ बोरी इनके शरीर के ऊपर डाल रखा है। ये देखो ये हमारा मकान है, और इधर देखो पेड़ों की कटाई कर दिया है। ये अब बसंत ऋतु आएगी तो ये फूट फूट जाएंगे, इनके कोपल आएंगे, नई नई कोपल आएंगी। इनको देखो काट दिया है, ये ताजा मूली। और बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं अंदर, आज तनिषा का बर्थडे, तो तनिषा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और मैं ऊपर चलता हूँ और आपको इन्वर्टर चारों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ, छत से देखो कैसा दिखता है। ये देखो छत से चारों तरफ का दृश्य, चारों तरफ सरसों ही सरसों, गेहूं इधर ज्यादा सरसों है। ये मेरी मौसी का मकान है जस्ट इसके बराबर में। ये देखो इधर रेशम कर रही है कपड़ों में, शादी की तैयारियां चल रही हैं इधर। और ये देखो ये बच्चे लगे हुए हैं, ये खुशी है, अर्षिता मीणा, और ये अजय मीणा है, सॉरी खुशी नहीं है, ये दौड़ा राम मीणा है, इसका नाम हितांश। और ये घर के आगे का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, उधर भी देखो हरियाली का खेत है वो सामने, उधर से और घर से सामने का व्यू, सामने हरियाली, सामने फिर पहाड़ रावली पर्वतमाला।